अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद है खैर से होंगे। देखिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे गार्डन की अदरक की पौधा। देखिए पौधा ने अभी तो थोड़ी बहुत बड़ी भी होगी, तो मैंने इसको अदरक से उगाई थी। देखिए इसमें तो दोनों को एक साथ ही लगाई थी, लेकिन इसमें देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ पकड़ लिया, और इसमें देखिए अभी ग्रोथ नहीं पकड़ा। ये पीपा में लगाई थी, देखिए देखिए अभी एक महीना ही हुई है, कितने अच्छे से बड़ी होगी। और ये मेरी परवल की, देखिए मैंने बीज से बहुत सारा बीज लगा दिया था, लेकिन एक बीज से एक ही निकला है। तो मैंने मेरे परवल लगाई थी तो उसमें एक पक्के निकल गया था येलो कलर का, तो उसको उसका ही बीज इसमें लगा दिया था। तो देखिए एक ही निकला है, ये पता नहीं अब जीता है कि नहीं, तो इसको केयर करना पड़ेगा। देखिए इसमें भी कीड़े लग गई थी, इसलिए मैंने राख डाल के थोड़ा लगा दिया था। देखिए ये मेरा तुलसी का पौधा है, ठीक है, इसमें फूल भी आ गई। ये करेले की देखिए मैंने 5 लगाई थी, अभी तो 3 ग्रोथ पकड़ रही है। अभी ये 2 छोटा है, बाद में जो जब सबसे ज़्यादा ग्रोथ पकड़ेगी उसको रखेंगे, बाकी 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे। देखें देखिए कितने अच्छे से मेरे हो रही है। इसमें सिर्फ किचन कंपोस्ट और गार्डन की मिट्टी है, अभी कुछ नहीं डाला, फिर भी इतने अच्छे से चल रही है। देखिए ऐसे करके इकट्ठा करती हूँ किचन कंपोस्ट, इसके ऊपर फिर मिट्टी डाल के, फिर जब इस 1 महीने का हो जाएगा फिर इसमें थोड़ी बहुत भी पौधा हो या सीड लगा देंगे। देखिए ये मेरा लकड़ी का बूरा, इसको ही मिट्टी लकड़ी का बूरा गार्डन सॉइल मिक्स करके फिर किचन कंपोस्ट डालते हैं। देखिए धनिया उगा लिया, 2-3 बार इससे हार्वेस्ट ले लिया, आज भी लिया था, आलू के पराठा बनाई थी। पता नहीं ये कौन सा पौधा है, इसको खा देती हूँ। देखिए ये मेरा चुलाई का साग है, देखिए अब बीज पकड़ने लग गया है, अब इसको बीज के लिए रख दिए रहे। इसमें से भी 2-3 बार भाजी ले लिया, और देखिए इसमें ये तीखी वाली मिर्ची लगा दिया था, एक ही पौधा अच्छे से सर्वाइव कर रही। देखिए इसमें फूल भी आ गई, और देखिए ये अभी छोटी छोटी है। देखिए ये लोबिया का प्लांट है, इसमें 6 सीड लगाई थी, लेकिन सिर्फ 3 ही जर्मिनेशन हुई है, वो भी ये कमज़ोर है, और ये 2 ग्रोथ पकड़ लिया। देखे मेरा वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।